Estudiantes, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Today our topic is hemophilia. In human genetic disorders, जैसे हमने पिछली दफा Klinefelter syndrome, Turner syndrome, Downer syndrome डिस्कस किए, इसी तरह ये एक डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, जिस डिसऑर्डर का नाम हेमोफीलिया है. ये हेमोफीलिया इट इज ऑल्सो नोन एज बिलीडर्स डिजीज. इसका दूसरा नाम जो है बिलीडर्स डिजीज है. एंड इट वॉज डिस्कवर्ड और ऑब्जर्व्ड बाय जॉन ऑटो इन 1803 में. इसको एक साइंटिस्ट जॉन ऑटो ने डिस्कवर किया या इसको नोट किया 1803. ये डिसऑर्डर जो है इट इज ए सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर. दैट मीन्स इट एग्जिस्ट्स इन सेक्स क्रोमोसोम्स. दिस इज नॉट एन ऑटोसोमल डिसऑर्डर. टर्नर सिंड्रोम, क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम, दे आर द ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स. इवन डाउनर सिंड्रोम इज ऑल्सो ए दिस ऑटोसोमल डिसऑर्डर. बट दिस हेमोफीलिया इट इज ए सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर. दैट मीन्स दिस डिसऑर्डर, दिस डिजीज ऑकर्स इन सेक्स ड्यू टू द डिफेक्ट इन सेक्स क्रोमोसोम्स. रिसेसिव डिसऑर्डर इन विच द अफेक्टेड पर्सन, इस जिस आदमी में ये डिसऑर्डर हो जाएगा, दैट पर्सन इज अनएबल टू सिट ऑफ ब्लीडिंग. अगर उस आदमी को जख्म लग जाएगा है, तो ही इज अनएबल टू सिट ऑफ ब्लीडिंग. मगर उसका जख्म जो है वो उसमें खून बहता रहेगा, वो क्लॉट नहीं हो जाएगा, उसका खून निकलना बंद नहीं हो जाएगा. इन केस ऑफ ए माइनर कट, अगर उससे एक छोटा जख्म भी लग जाए, इस छोटे जख्म से बहुत सारा ब्लड बाहर निकलेगा, लेकिन ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी, ब्लड बंद नहीं होगा. यूजुअली अगर इसका कट अस्कर, इसकी इंजरी किन मुकामात पर लगेगी? एक नीज पर, दूसरी एल्बोज पर, तीसरे एंकल्स पर. अगर इन तीन जगहों पर इसका कट हो जाएगा, इसकी इंजरी हो जाएगी, तो इसका जख्म जख्म से खून निकलना बंद नहीं हो जाएगा. तब तक इतना खून भी निकल सकता है दैट द पर्सन कैन डाई ड्यू टू दिस इंजरी. ये आदमी इस इंजरी की वजह से, इस ब्लीडिंग की वजह से, ही मे इवन लीड टू डेथ. दे मे ब्लीड इवन टू डेथ. दैट मीन्स दैट दिस इंजर्ड पर्सन ही मे लीड टू डेथ इवन आफ्टर ए स्मॉल कट. अगर इसको स्मॉल जख्म भी लग जाएगा, तो वो मरने के करीब पहुंच जाएगा या मर जाएगा इस जख्म की वजह से, क्योंकि इसको ब्लड क्लॉटिंग, इसकी क्लॉजिंग या क्लॉटिंग इसकी नहीं हो जाएगी. तो वजह क्या है, ऐसा क्यों हो गया? छोटा जख्म लगने पर भी इसकी इसका ब्लड क्लॉट नहीं होगा. दिस इज बिकॉज ऑफ द एबसेंस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर. ये इस वजह से है कि जिस ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर की वजह से इसके इस जख्म से खून बहना बंद हो जाता, वो एब्सेंट है, वो मौजूद नहीं है, वो गायब है. क्या वो कौन सा ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है? दैट इज ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8. उसको कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8. ये एक किस्म का प्रोटीन है. कौन सा है? एंटी हेमोफीलिया ग्लोब्यूलिन. इस प्रोटीन का नाम है एंटी हेमोफीलिया ग्लोब्यूलिन.
इसका नाम है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 एंड ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 9। और दूसरा फैक्टर जो है, दूसरा प्रोटीन जो है विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द क्लॉजिंग ऑफ द ब्लड, दैट इज प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन। दीज टू फैक्टर्स नेमली एंट्री हेमोफीलिया ग्लोब्यूलिन एंड दूसरा क्या है प्लाज्मोथ्रोम्बोप्लास्टिन, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द क्लॉजिंग और द क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड इफ a cut will be on the knees, on the elbows, on the ankles of a person। अगर इन जगहों पर या बॉडी के किसी भी हिस्से पर एक ऐसे आदमी को जो affected person है उसको जख्म लग जाएगा तो उसकी ब्लीडिंग ऐसी हो जाएगी कि वो करीब मर पहुंच जाएगा या मर जाएगा इस जख्म की वजह से, क्योंकि इस जख्म से खून बहना बंद नहीं हो जाएगा। क्यों नहीं बंद होगा? क्योंकि इसके जिस्म में जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स 2 हैं, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 एंड ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 9 विच आर कॉल्ड एज ये एंटी हेमोफीलिया ग्लोब्यूलिन एंड प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन रेस्पेक्टिवली, ये 2 बिलतरतीब जिनका नाम है ये चूंकि इसमें मौजूद नहीं है, खून में मौजूद नहीं है तो इन हेमोग्लोबिया में मौजूद नहीं है। हेमोग्लोबिया चूंकि आरबीसी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है जिसकी वजह से इस हेमोग्लोबिन की वजह से ही इस ब्लड पर इम्पोर्टेंस रेड कलर टू द ब्लड, इसको इसी की वजह से खून का रंग सुर्ख है। तो इसी हीमोग्लोबिन, इसी हीमोफीलिया, इसी इस क्या कहते हैं इसको रेड ब्लड कॉर्पसल्स में जो ये पिगमेंट होती है, तो इस पिगमेंट के मौजूद नहीं होने की वजह से एंटी हीमोफीलिया ग्लोब्यूलिन एंड फैक्टर 9 प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन, इसमें ये फैक्टर मौजूद नहीं है, ये प्रोटीन मौजूद नहीं है, तो इसकी वजह से ब्लड क्लॉट नहीं होता है। एंड दीज टू फैक्टर्स आर आल्सो नोन एज हीमोफीलिया ए एंड हीमोफीलिया बी, इसको हीमोफीलिया ए एंड हीमोफीलिया ए बी के नाम से भी पुकारते हैं। Human females are usually carriers of this disorder. तो human females जो है वो इस disorder के, इस disease के carriers हैं, चलाने आगे बढ़ाने वाले हैं and they remain normal throughout life. तो वो अपनी तमाम जिंदगी में normal रहते हैं। Their life usually the normal gene responsible for blood clotting या clotting is located on X chromosome, जो blood clot करने के लिए जो जीन रेस्पॉन्सिबल है विच प्रोड्यूसेस दीज टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स, ये किस क्रोमोजोम पर मौजूद है? ये सेक्स क्रोमोजोम में से भी एक्स क्रोमोजोम पर मौजूद है। दिस जीन गेट्स म्यूटेटेड एंड इज एक्सप्रेस्ड एज ए, व्हेन दिस जीन गेट्स म्यूटेटेड, जब ये जीन म्यूटेट हो जाता है इट इज एक्सप्रेस्ड एज XX। नॉर्मल जीन को हम एक्सप्रेस करते हैं XX सिंबल से, लेकिन जब एक जीन म्यूटेटेड हो गया तो उसको एक्सप्रेस किया जाता है XX के सिंबल से। इसको हम जिस क्रोमोजोम पर ये म्यूटेटेड जीन होगा उसको हम XX से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज नोन एज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। इस इनहेरिटेंस को, इस डिसऑर्डर जो डिसऑर्डर पैदा हो जाता है, जो डिजीज इसके वजह से पैदा होती है, इसको कहते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस,
क्योंकि ये कौन सी इनहेरिटेंस है, ये क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस है। क्रिस क्रॉस क्यों किसके कहते हैं, बिकॉज द म्यूटेटेड जीन एक्स एच, जो म्यूटेटेड जीन है एक्स एच है, इज ट्रांसफर फ्रॉम फादर, ये फादर से ट्रांसफर होता है टू द डॉटर, बच्ची में। फॉर एग्जाम्पल अगर हम दो पर्सन की शादी करें, एक बॉय है एक गर्ल है, इस बॉय में ये क्रोमोसोम है जो है ये म्यूटेटेड जीन है, हैं? तो इसमें से ये ट्रांसफर हो जाएगा अपने इस बच्ची में एंड देन तो ग्रैंडसन, अब इसकी बच्ची से ये पास ऑन हो जाएगा to his grandson, उसके बेटे को, वो गोया बाप से बेटी को, बेटी से उसके बेटे को ये पासान हो जाएगा, ये इनहेरिट हो जाएगा, तभी इसको हम क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस होगा कहते हैं। कि बीच में एक जगह बेटी की जगह ये रिसेसिव बिल्कुल रह गया, ये बिल्कुल गाय खामोश रह गया, इसने कोई सिम्टम नहीं दिखाया, लेकिन जब ये बेटी के बेटे जैसे वजूद में आ गया तो हम इसको क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कहते हैं। द ग्रैंडसन सफर्स फ्रॉम दिस डिसऑर्डर, जो ये ग्रैंडसन अब है, इज ही सफर्स फ्रॉम दिस डिसऑर्डर, वो इस डिसऑर्डर से सफर करता है, एंड ही डाइज बिटवीन द एज ऑफ 20 to 40। द इफेक्टेड affected person must be given blood transfusion, इस affected person को या तो इसका खून transfer करना है, इसका खून निकालकर इसे दूसरा खून इसके जिस्म में भर देना है, blood transfusion इसको करना है, और any blood clotting factor या इसको कोई ऐसी दवाई देनी है जिससे जो जिसमें blood clotting factor होगा, so that he can lead a normal life, ताकि वो एक आसान सी जिंदगी बसर करेगा। हाँ, तो यहाँ पर हमने ये लिखा है, अगर पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स में क्या है, एक्स एक्स एच, एक्स एक क्रोमोसोम है ये नॉर्मल है, दूसरा है इफेक्टेड क्रोमोसोम विच केम फ्रॉम दिस मेल पेरेंट से आया है, तो यहाँ पर ये कैरियर फीमेल है, कैरियर फीमेल में एक क्रोमोसोम वहां से आया है, दूसरा इफेक्टेड क्रोमोसोम वो बाप से आया है, तो उसका अगेन उसकी हो जाएगी ये यूनियन, जब उससे गैमेट्स निकल देंगे तो उसका मेल जो होगा वो उसमें एक्स वाई नॉर्मल मेल वो होगा, तो जब नॉर्मल मेल की शादी एबनॉर्मल फीमेल से हो जाएगी, दिस एबनॉर्मल फीमेल इज कैरियर, ही डज नॉट सफर फ्रॉम दिस डिजीज, ये सिर्फ कैरियर इसकी है, तो इसे जो गैमेट्स बन जाएंगे यहाँ पर एक्स गैमेट और एक्स एच गैमेट, एक इसमें सेक्स क्रोमोसोम एक्स आएगा, इसमें सेक्स क्रोमोसोम एक्स एच आएगा, इसका मतलब है ऑटोसोम प्लस एक्स, ऑटोसोम प्लस एक्स, इसी तरह से यहाँ पर नॉर्मल एक्स वाई आ जाएगा, तो अगर इन दोनों का हम क्रॉस करेंगे तो इसमें से एक्स और एक्स वाई, एक्स और एक्स एच, एक्स एक्स पहला है ये बिल्कुल फीमेल है, नॉर्मल फीमेल है, दूसरा है एक्स एक्स वाई ये नॉर्मल मेल है, दूसरा जब इससे क्रॉस करेंगे एक्स एच एक्स, यहाँ पर एक्स एच एक्स है ये फीमेल है, ये हीमोफीलिया गर्ल है, ये कैरियर है, यहाँ पर जो अब की बजाय अब की बार जो क्रॉस हो जाएगा एक्स एच वाई, ये एक्स एच वाई जो होगा ये मेल है, हीमोफीलिया बॉय है, तो इसमें से इसमें पूरा हीमोफीलिया होगा, इसमें ऑटोसोम ए प्लस एक्स एच वाई, इसका मतलब है कि दो ऑटोसोम आएंगे, 44 ऑटोसोम आएंगे, दो एक्स क्रोमोसोम आएंगे, एक्स क्रोमोसोम में से सेक्स क्रोमोसोम आएंगे, सेक्स क्रोमोसोम में एक एक्स क्रोमोसोम जो है वो एक्स एच है, दूसरा सेक्स क्रोमोसोम है जो वो वाई है, इसलिए ये मेल है, मेल में से एक्स एच जो है
है ये म्यूटेटेड क्रोमोजोम है। इस म्यूटेटेड क्रोमोजोम की वजह से ये इस बॉय में ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो जाएगी एंड ही सफर्स फ्रॉम दिस डिजीज दैट इज कॉल्ड हेमोफीलिया। हेमोफीलिया डिजीज इसको कहते हैं। तो इस हेमोफीलिया डिजीज की वजह से ये बच्चा जो है ये बीमार रहेगा एंड द ब्लड विल नॉट क्लोज इन हिज बॉडी इवन आफ्टर ए स्मॉल कट। अगर इसके जिस्म में थोड़ा सा जख्म भी लग जाएगा तो इसकी ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो जाएगी। तो इस तरह से हेमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है जिसको जॉन ऑटो ने डिस्कवर किया है। इस बीमारी की वजह से ऐसे पेशेंट में ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है। अगर उसके जिस्म में मामूली सी जख्म भी लग जाए तो अगर वो इतना उसकी ब्लीडिंग इतनी हो जाएगी वो जिंदगी से हाथ धो लेगा। ये किस वजह से होती है? क्योंकि इसके खून में इसके और भी चीज में ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं है, फैक्टर 8 और फैक्टर 9। फैक्टर 8 को एंटी हीमोफीलिया ग्लोब्यूलिन कहते हैं, फैक्टर 9 को प्लाज्मा थ्रोमोप्लास्टिन कहते हैं। इन दो हीमोफीलिया की किस्मों को हीमोफीलिया ए दैट मीन्स फैक्टर 8 एंड हीमोफीलिया बी दैट मीन्स फैक्टर 9 दे आर ऑल्सो कॉल्ड रेस्पेक्टिवली हेमोफीलिया एंड ए एंड हेमोफीलिया बी। इस हेमोफीलिया बी को क्रिस्टमॉस डिजीज भी कहते हैं। हेमोफीलिया बी इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्रिस्टमॉस डिजीज। तो यूजुअली जो फीमेल्स हैं ये इस डिजीज के कैरियर्स हैं एंड इफेक्टेड पर्सन जो हैं वो मेल्स हैं। दे रिमेन दीज फीमेल्स यूजुअली रिमेन नॉर्मल थ्रू आउट लाइफ बट मेल्स सफर फ्रॉम दिस डिजीज एंड ब्लड दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस नॉर्मल जीन रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग इज ऑन एक्स क्रोमोजोम। दिस जीन गेट्स when this gene gets mutated it is expressed as XH. This type of inheritance is known as crisscross inheritance because it passes from daughter to grandson, from father to daughter, from daughter to grandson. So इसको crisscross disease कहते हैं। The grandson suffers from this disease. The affected person must be given blood transfusion to get rid from this disease or they should be given any blood clotting factor due to which they may not bleed even after a cut. तो इसका ये यहाँ पर हमने फ्रेम किया है कि किस तरह से ये इनहेरिट होती है फ्रॉम फादर टू डॉटर, फ्रॉम डॉटर टू हिज सन, फ्रॉम डॉटर टू हिज सन दैट मीन फ्रॉम फादर टू ग्रैंड सन एंड ग्रैंड सन सफर्स फ्रॉम दिस हेमोफीलिया डिजीज। दिस वॉज ऑल अबाउट दिस डिजीज। बाकी वस्सलाम।